नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज हलवाई। राज हलवाई रेसिपी में आप सभी का स्वागत। तो दोस्तों, राज हलवाई रेसिपी में आज हम बनाएंगे देसी घी से बेसन की पिन्नी। साथ में हम ड्राई फ्रूट भी ऐड करेंगे और साथ में हम खोया भी ऐड करके बनाएंगे टेस्टी बेसन की पिन्नी। तो इस तरह हम बेसन की पिन्नी अच्छी तरह खोया बेसन में भून के और तैयार करेंगे। तो आज हम बनाएंगे बेसन की टेस्टी पिन्नी। तो ये देखिए, इस तरह हम खोया भी साथ में भूनते हैं और बहुत टेस्टी पिन्नी बनके तैयार हो जाता है। तो हम रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा इन्ग्रीडियंट्स यहाँ पड़ा हुआ है, ये हम दिखाते हैं आपको। तो यहाँ हमने 2 किलो देसी घी रखा है ये डब्बे में, और साथ में हम आपको दिखाते हैं ये 2 केजी खोया है, और उधर सफ़ेद लिफाफे में हमारा 2 केजी शुगर ऐड किया हुआ पड़ा हुआ है, और 2 केजी हमारा ये बेसन है जो पीला लिफाफे में है, और साथ में ये प्लेट में 400 ग्राम काजू है, और बाउल में हमारा इलायची का पाउडर है, साथ में बादाम भी है जो बादाम हमारा काटा जा रहा है। तो यहाँ हमने गैस का फ्लेम मीडियम से चला के और कढ़ाई रख के हमने घी ऐड कर दिया है, 2 केजी है। जो इस तरह डब्बे वाला घी आता है, गत्ते वाले डब्बे में बंद होता है, इसमें सिर्फ 900 ग्राम घी होता है, इसलिए हमने 2 डब्बे ऐड करे हैं। सिर्फ 1800 ग्राम घी हमारा कढ़ाई में पड़ा है। घी जब गर्म हो जाता है तो इसमें हम 2 केजी बेसन चने का ऐड कर देते हैं। ये देखिए, इस तरह 2 पैकेट हमारा बेसन है जो 2 केजी है। इस तरह हम जब घी गर्म हो जाता है तो इसमें हम ऐड कर देते हैं 2 केजी बेसन, ये देखिए, और इस तरह हम भूनते जाएंगे। गैस का फ्लेम हम लो मीडियम से कर लेंगे और इस तरह हम भूनते जाएंगे। ये देखिए, इसको हिलाते रहना, मिक्स करते रहना, और इसको हम ब्राउन करेंगे देर तक भून के। कम से कम इसको 15-20 मिनट तक हमें लो मीडियम फ्लेम पे भूनना पड़ेगा और अच्छी तरह ब्राउन करेंगे। ये देखिए, तो इस तरह हम लो मीडियम फ्लेम पे इसको हम इस तरह भूनते रहेंगे। ये देखिए, ये घी हमारा सारा अब्जॉर्ब कर लिया, लेकिन घी सिर्फ 1800 ग्राम है और बेसन हमारा 2 केजी है, और इसको इस तरह हम भूनते रहेंगे। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो मीडियम पे रखेंगे और इसको काफ़ी देर तक भूनना होता है, जब तक ये बिल्कुल ब्राउन नहीं हो जाता है, और फ्लेम भी हम बिल्कुल कम रखेंगे। तो इसको हम 15-20 मिनट में अच्छी तरह ब्राउन करेंगे। ये देखिए, तो इस तरह हम भूनते रहेंगे। थोड़ी देर बाद जब ये 10-12 मिनट हो जाता है तो ये ब्राउन होना शुरू हो जाता है। ये देखिए, तो ये अच्छी तरह ये ब्राउन होना शुरू हो गया है। जब इसको अच्छी तरह ब्राउन कर लेते हैं तब हमारा जो है बेसन की पिन्नी टेस्टी बनती है। तो यहाँ हम आपको दिखाते हैं, ये अच्छी तरह जब ब्राउन हो जाता है, ये देखिए, ये पूरा लाल हो गया है। अब क्या करेंगे, इसमें हम सबसे पहले ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे। ये हमारा बादाम कटा हुआ 400 ग्राम है और काजू भी हमारा 400 ग्राम है। तो ये काजू और बादाम दोनों ड्राई फ्रूट हम ऐड कर देंगे। पहले हमने बादाम ऐड कर दिया है और इस तरह हम सेकते रहेंगे, साथ में हम काजू भी ऐड कर देंगे। ये बिल्कुल गर्म होता है, ज़्यादा देर नहीं लगाना चाहिए। साथ में हम खोया ऐड कर देंगे, क्योंकि हम ज़्यादा देर में अगर खोया ऐड करेंगे तो हमारा काजू और बादाम दोनों जल सकता है, इसलिए हम तुरंत ही खोया ऐड कर देते हैं। और ये देखिए, खोया हमारा अच्छी तरह बेसन में भूना जाता है, क्योंकि हमारा बेसन ब्राउन है और अच्छी तरह ये गर्म है, इसलिए इसी में हमारा खोया भी भुना जाएगा और अच्छी तरह इसका पानी खोए का जो है सारा इसमें जल जाता है। ये देखिए, तो इसको अच्छी तरह इस बेसन में अगर खोया भूनते हैं तो हमारी पिन्नी बहुत टेस्टी बनती है। ये देखिए, बेसन पूरा ब्राउन करने के बाद ही हम खोया ऐड करते हैं और अच्छी तरह इस तरह हम भूनते रहेंगे। ये देखिए, जब ये झग खत्म हो जाता है, अच्छी तरह जब खोए का झग पूरा ख़त्म हो जाता है तो हमारा खोया भी अच्छी तरह भून जाता है। तो इस तरह हम थोड़ी देर भूनते रहेंगे, फ्लेम बिल्कुल कम रखेंगे, और इस तरह हम भूनते रहेंगे। इसको 5 मिनट और लगाना पड़ता है, फिर इस तरह हो जाता है। ये देखिए, अच्छी तरह मिक्स हो गया और घी भी सारा अब्जॉर्ब कर लिया। तो ये देखिए, हमारा ड्राई फ्रूट भी भून गया, साथ में खोया भी भून गया, और साथ में हमारा बेसन भी पूरी अच्छी तरह ब्राउन हो गया, तैयार हो गया। इसका पानी अच्छी तरह सूख गया। अब यहाँ हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और साथ में ऐड कर देंगे इलायची का पाउडर। तो ये बाउल में इलायची का पाउडर ज़्यादा है, सिर्फ हम 2 चम्मच के हिसाब से इसमें ऐड कर देंगे। ये हमारा शुगर मिक्स करके पीसा हुआ है, और इस तरह हम बेसन में मिक्स कर देंगे। ये देखिए, हमने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है और इस तरह इसको मिक्स कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। इस तरह जब थोड़ा ये ठंडा हो जाए, हल्का हल्का गर्म रह जाए, तब इसमें हम शुगर मिक्स करेंगे। तो इस तरह बेसन की पिन्नी में हम पाउडर वाला शुगर ऐड करेंगे,
कोई बूरा शुगर ऐड करता है, कोई पाउडर वाला ऐड करता है, तो हम पाउडर वाला ऐड करेंगे। बिल्कुल फाइन पाउडर है शुगर का, ये हमारा 1.5 kg है, और इस तरह हम ऐड करके और मिक्स कर देंगे। जो हमारा बूरा चीनी होता है ये दरदरा होता है, किसी को अच्छा लगता है और किसी को नहीं अच्छा लगता है, इसलिए हमने फाइन पाउडर वाला ऐड किया है। इससे पिन्नी हमारी बहुत टेस्टी बन के तैयार हो जाती है। तो पहले हमने उलट पुलट के खुरचने से मिलाया है, बाद में हम हाथों से मिक्स कर देते हैं, क्योंकि शुगर हमारा हाथों से ही बेस्ट मिक्स होगा। इस तरह हम हाथों से मिक्स कर देंगे, ये देखिए। तो इस तरह हम मिक्स करते जाएंगे, और अच्छी तरह जब ये मिक्स हो जाता है तब इसकी हम पिन्नी गोल कर देते हैं, ये देखिए। तो ये हमने अच्छी तरह मिक्स कर दिया, और ये देखिए एक हाथ से हम एक एक पीस हम बनाते जाएंगे, क्योंकि एक हाथ में हमने कैमरा ले रखा है, इसलिए हम एक ही हाथ आज यूज़ करेंगे। और इस तरह ये देखिए पिन्नी हम बना के टेस्टी तैयार करेंगे। तो ये देखिए इस तरह हमारा पिन्नी बन के तैयार है। उसके बाद हम एक पिन्नी और बना के दिखाते हैं, ये देखिए। इस तरह हम गोल करते जाएंगे और हमारी पिन्नी गोल साइज की बन के तैयार हो जाती है, ये देखिए। तो इस तरह हमारी ड्राई फ्रूट और खोए वाली पिन्नी टेस्टी बन के तैयार है, आप भी इस तरह बना सकते हो। और दोस्तों आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक दिया हुआ है। ये देखिए एक एक पिन्नी हमने बना के 3 पिन्नी तैयार कर दी है। अब उसके बाद हम यहाँ कैमरा बंद करके और सारा पिन्नी तैयार कर देते हैं। तो ये देखिए 3 पिन्नी हमारी तैयार है, इसके बाद हम सारा बना के तैयार कर लेते हैं, ये देखिए। ये हमारा छोटा छोटा परात है, जो 2 परात भर गया है। ये 6.5 किलो बेसन की पिन्नी कहिए या बेसन की लड्डू कहिए, ये बन के तैयार है। आप भी इस तरह आसानी से बना सकते हो। और ये देखिए कितने सॉफ्ट पिन्नी हमारी बन के तैयार है, ये देखिए। इस तरह आप भी अपने घर में बना सकते हो। इसमें हमने 400-400 ग्राम काजू बादाम ऐड किए हैं, आप इससे ज़्यादा भी ड्राई फ्रूट ऐड करके टेस्टी पिन्नी बना सकते हो। और इस तरह देसी घी की पिन्नी तैयार है। और दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबाएं।